नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो गाइज़ आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा बीच में अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, मतलब कि वीडियो जो है, आप अगर इंस्टा पे फॉलो करके रखे हो, ये फेसबुक पे फॉलो करके रखे हो, तो वैसे मैं डेली मतलब कि उस पर वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है गाइज़। इस चैनल पर भी मैं 2-3 दिन पर वीडियो डेली मतलब कि रेगुलर अभी डाल रहा हूँ, लेकिन गाइस अभी कुछ दिन पहले जिस दिन मुझे वीडियो डालना था, ठीक है, मतलब कि वीडियो शूट करना था, उस दिन क्या हुआ गाइस, जिस दिन मुझे वीडियो शूट करना था उस दिन क्या हुआ गाइस, उस दिन शाम को अचानक बारिश आ गया, ठीक है, हम लोग झारखंड में रहते हैं, बारिश आ गया। बारिश आने से क्या हुआ, झारखंड का ये स्थिति है ना अभी कि मतलब थोड़ा सा भी अगर बारिश आता है ना तो लाइट मतलब 1-2 दिन के लिए गुल, ठीक है, पक्का कुछ ना कुछ, कहीं पोल गिर गया, कहीं तार मतलब कुछ गिर गया, ये कंडीशन है झारखंड का हमारे मतलब इलाके में, ठीक है गाइस। और इसी कारण जो है मैं जो है अपना वीडियो को शूट नहीं कर पाया और मैं वीडियो को डाल नहीं पाया, यहाँ तक कि मैं इंस्टा पे भी मतलब कि रील वगैरह डालता रहता हूँ। अगर आपने फॉलो नहीं किया है वहाँ पे तो जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि डेली मज़ेदार रील जो है आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। फेसबुक भी आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया, वहाँ पर आप जाके फॉलो कर लो, आपको रेगुलर कुछ ना कुछ मतलब देखने को मज़ेदार चीज़ मिलता रहेगा, आपको मज़ा आता रहेगा। और गाइस लाइट कटने के कारण जो है मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, और जब लाइट नहीं रहेगा तो अंधेरा रहेगा, ठीक है, वीडियो भी शूट नहीं हो पाएगा, ना ही नेट चलेगा और ना ही वीडियो को हम अपलोड कर पाएंगे और ना ही आप देख पाओगे। तो गाइस झारखंड में ये हाल है, ऐसी एक बार का नहीं है, ये हमेशा का है। अगर थोड़ा सा बारिश आता है तो लाइट चला जाता है, ठीक है गाइस, और ये हमेशा होता है, ये नहीं कि एक बार, चलो एक बार कहीं पेड़ गिर गया, हर बार पेड़ ही गिर जाता है। और गाइस यहाँ का जो मतलब कि इलेक्ट्रिशियन वगैरह है ना, वो इतना मतलब कि वो लोग मतलब कि क्या बताए, करप्ट है कि वो लोग को अगर आप फ़ोन करोगे तो वो लोग आएंगे नहीं ठीक करने के लिए, वो लोग को मतलब तेल लगाना पड़ेगा। मैं आपको मतलब बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ, वो लोग को आपको तेल लगाना होगा, वो लोग को जाकर लेके आना होगा, जबकि वो लोग सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी इलेक्ट्रिशियन है, अगर कहीं भी फॉल्ट होता है, कहीं भी कुछ भी होता है तो उन्हें वो देखना है कि अगर कंप्लेन आ गया तो वो जाकर उन्हें ठीक करना, वो भी फ्री में, सरकार उसके लिए उसको पैसा दे रही है, लेकिन वो लोग को तेल लगाओ, वो लोग को लाओ, खिलाओ पिलाओ, फिर जाके वो लोग लाइट ठीक करेंगे। कहीं कहीं तो गाइस ऐसा भी है ना कि उन्हें मंथली हर गांव से कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है ताकि उनका गांव में जब भी लाइट का फॉल्ट हो तो वो लोग जल्दी से आके ठीक कर दे, वो लोग टरकाए नहीं। और गाइस जहाँ से पैसा नहीं मिलता हो अगर, और उस वो गांव वाला अगर आपको फ़ोन करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन बोले हम अभी यहाँ है वहाँ है, बहाना मार देगा, काम नहीं करेगा। और लाइट जिसके कारण मेरे यहाँ कभी कभी क्या होता है गाइस, एक एक हफ्ता तक लाइट नहीं रहती है, जिसके कारण मैं जो है हूँ वीडियो नहीं डाल पाता हूँ रेगुलर। तो गाइस आप लोग ये नहीं मतलब सोचना कि मैं वीडियो नहीं डालूँगा, वीडियो मैं डालूँगा पक्का, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखो, मेरे वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। गाइस इस वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि जो ऐसा करते हैं उन तक पहुँच जाए और गाइस उन्हें लगे कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। और गाइस इससे मेरा ही सिर्फ हार्म नहीं होता, इससे बहुत सारे लोगों का हार्म होता है। बच्चे पढ़ने वाले एग्ज़ाम के दिन अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे का एग्ज़ाम में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हो जाता है उस दिन का पेपर के लिए, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, और गाइस अगर आपके यहाँ भी होता है तो कमेंट कर दो, बताओ कि आपका मतलब झारखंड में हो तो कहाँ से हो और कहाँ पर ऐसा मतलब ही घटना मतलब ही होता है, तो मतलब लोगों को इससे पता चलेगा। और गाइस हो सके तो ये मतलब झारखंड के जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग हैं उन तक अगर पहुँच जाए तो गाइस इसका कुछ समाधान निकल जाए, ठीक है गाइस। तो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।